भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान जेम्स एंडरसन ने धार और रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। लॉर्ड्स टेस्ट में एंडरसन ने 9 विकेट लेकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड की टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 30 अगस्त से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच में एंडरसन के पास मौका है इतिहास रचने का और वो साउथैम्पटन टेस्ट मैच में 7 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन सकते हैं। 36 साल के जेम्स एंडरसन अपने टेस्ट करियर के दौरान 557 विकेट निकाल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बनने से वो महज 7 विकेट दूर हैं। टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ग्लेन मैकग्रा के नाम है। मैकग्रा ने साल 2007 में क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन इससे पहले वो अपने टेस्ट करियर में 563 विकेट ले चुके थे। जेम्स एंडरसन के पास मौका है चौथे टेस्ट में 7 विकेट लेकर उनके रिकॉर्ड को तोड़ने का। एंडरसन के इस उपलब्धि के बेहद करीब पहुंचने पर ग्लेन मैकग्रा ने कहा कि जेम्स एंडरसन का मेरे रिकॉर्ड को तोड़ना अब बस चंद दिनों की बात है। जिस दिन वो इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे मैं उसे जरूर बधाई दूंगा। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।